आज मैं आपको निकोलस बूथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस में से बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 90 सेकंड में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और अपना दोस्त बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइकेबल लोग ओपन होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वेलकमिंग होते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी और ट्रस्ट साफ नजर आता है। ये सारी क्वालिटी आप भी डेवलप कर सकते हैं सिर्फ दूसरे लोगों से मिलकर। अगर सामने वाले व्यक्ति को हम 90 सेकंड में इंटरेस्टेड नहीं लगते तो वो हमसे कम्प्लीटली पीछा छुड़ाना चाहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आपको शुरुआत से ही कोशिश करनी होगी। आपके एक वर्ड भी बोलने से पहले ये शुरू होता है। एक नया इंसान आपसे मिलते ही तीन चीजें नोटिस करता है, आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपका फेस का एक्सप्रेशन। तो ये बहुत जरूरी है कि ये तीनों एलिमेंट ओपननेस की फीलिंग दे रहे हो। ऐसा करने के लिए आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी उनके सामने एम करना होगा। इससे आपकी सिंसियरिटी दिखेगी, कन्वर्सेशन में पूरा कमिटमेंट नजर आएगा, इससे आपकी ओपननेस दिखेगी। इसके बाद आपको डायरेक्टली सामने वाले की आंखों में देखना है, इससे ट्रस्ट स्टेबलाइज होता है। और जैसे ही आपने आई कॉन्टेक्ट बनाया, आपको सामने वाले से पहले स्माइल करना है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को चमक देना है। इससे सामने वाले इंसान को समझ आएगा कि आप सिंसियर हो और ओपन हो। यहाँ आपने वेलकमिंग मूड सेट कर दिया है। अब आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा आप स्टैंडर्ड ग्रीटिंग के साथ कर सकते हो, जैसे हाय और हेलो। ये आपको बहुत ही अच्छी टोन में करना है, एक प्लीजेंट टोन में। इसके साथ आप अपना फर्स्ट नेम भी सामने वाले व्यक्ति को बताइए, जिससे सामने वाला इंकरेज हो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहिए हेलो आई एम शिवांशु। जैसे ही आप ऐसा बोलोगे तो सामने वाला आपको डेफिनेटली अपना फर्स्ट नेम बताएगा। और जैसे ही वो अपना फर्स्ट नेम बताए, आपको उनका नाम रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हेलो आई एम शिवांशु, उन्होंने कहा हाय आई एम हर्ष। अब आपको कहना है हर्ष नाइस टू मीट यू हर्ष। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया कि इंसान के लिए उसका नाम दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट और इम्पोर्टेंट साउंड है। इसलिए कन्वर्सेशन में जितना हो सके उतना सामने वाले का नाम रिपीट करना चाहिए। इससे आपके लिए रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और आपको उनका नाम याद रह जाएगा। फाइनली आपको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, बिल्कुल इन व्यक्ति की तरफ। थोड़ा सा झुक कर बात करने से सामने वालों को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो और उन्हें ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो। इससे आप ज्यादा फ्रेंडली नजर आओगे। देखा गया है कि लोग उन लोगों को ज्यादा हायर करते हैं, बल्कि डेट भी उन्हीं को करते हैं जो उनके जैसे होते हैं और जो उन्हें सेफ और कंफर्ट फील कराते हैं। आप कभी गौर करना, आपको उन्हीं लोगों की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है जो आपकी तरह सोचते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। आप सिर्फ अपनी वॉइस को उनकी वॉइस से सिंक करके उनके लिए कंफर्टेबल बन सकते हो। वॉइस सिंक करना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत पावरफुल टूल है। आपको करना यह है कि आप जिनसे बात कर रहे हो आपको उनकी स्पीड में बोलना है। लाइक वो स्लो बोलते हैं तो आपको फास्ट नहीं भागना है, आपको भी स्लो बोलना है। सेकंड थिंग, आपको उनकी जैसे ही टोन में बात करनी है। अगर वो काम और रिलैक्स है और आप जोर जोर से बोल रहे हो तो बात नहीं बनेगी। आप उनकी जितनी ही वॉल्यूम में उतने ही काम और रिलैक्स होकर बोले, इससे उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उनके जैसे ही हो, जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। 1979 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंटिस्ट के डॉक्टर ने 7000 लोगों पर एक स्टडी की जो कि 9 साल तक चली। इस स्टडी से पता चला कि जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, जिनके ज्यादा सोशल कनेक्शन नहीं थे, वो ज्यादा बीमार हुए और उनके जल्दी मरने के चांसेस भी ज्यादा थे। और जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा मिलते जुलते थे, जिनके ज्यादा सोशल कनेक्शन थे, वो कम बीमार हुए और उनके जल्दी मरने के चांसेस भी कम थे। तो जाओ और स्पेन करो अपने सोशल सर्कल को बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।